अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम। आप यहाँ? क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो बता दो, मैं चली जाती। नहीं नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आए ना अंदर प्लीज। चल। क्या बात है रमशा, अश्विन आंटी के आने से तुम खुश नहीं लग रही। जब से आई है परेशान लग रही हो। हाँ, हैरत हो रही है मुझे। क्यों? यानी हैरत तो होगी ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ मुझसे मिलने आई हैं। अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के यहाँ इस इलाके में इस घर में आई हैं। और वो मुझसे तुमने देखा कि कितने अच्छे से बात कर रही थी, कितनी खुश अखलाकी से बात कर रही थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे अब क्या राज है। पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा चलो, तो ये तो रखिए। हाँ चल, ये पकड़ रहा था। अफशीन बहन, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। बहुत शुक्रिया, मैं दरअसल खाना खाकर आई थी। आप इतनी अचानक आई, अगर मुझे पहले से पता होता तो कुछ बेहतर इंतजाम तो करती ना आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल हम लोग तो बहुत पहले आना चाह रहे थे, लेकिन अफनान और रमशा के बीच में जो भी गलतफहमियां हुई उसकी वजह से सच पूछे तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रमशा, अलीजे सच में बहुत शर्मिंदा है। आप तो जानती हैं कि रिश्तों में अक्सर गलतफहमियां हो जाती हैं। बात बढ़ जाती है और हम शायद समझ नहीं पाते। आखिर गलतियां भी तो इंसान से ही होती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी गलती का एहसास हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप इजाजत दें तो मैं रमशा को अपने साथ ले जाऊं। अब भाईजान इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप एक बार शानी से। हाँ हाँ, मैं शानी से बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेगा। आप चाहे तो खत्म करें। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ओ, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। इसका मतलब है कि तुमने अलीजे को अभी तक माफ नहीं किया है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर अलीजे ने दिल से मुझसे माफी मांग लिया और उसने दिल साफ कर लिया तो मैंने भी उसे माफ कर दिया। जाहिर है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसीलिए तो उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा, तुम्हें पता है अलीजे खुद ही आ रही थी।
दरअसल उसकी मीटिंग आ गई इसलिए आ नहीं सकी। अच्छा चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे लिए नहीं तो कम से कम अपने मामू जान के लिए। तुम्हें देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मैं इंतजार कर रही हूँ। भाई अब वो खुद चल के आई हैं, वैसे भी इससे पहले कभी उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं तो मना नहीं कर सकता था। कल लेने आ जाओगे ना मुझे? नहीं कल नहीं, मुझे एक दो दिन के लिए हैदराबाद जाना है, वहां से मेरा काम खत्म होगा, तुम्हें कॉल कर लूंगा फिर लेने आ जाऊंगा। जीती रहो, किन कामों में पड़ गई तुम? अरे रमशा तुम कब आई? जब वो अलीजा और अफीम गए थे रमशा की तरफ तो वो ले आए इसे। हाँ पता नहीं दोनों कब से प्लानिंग कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं चल रही थी। डैड आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की बहकी बहकी बातें तो इंसान बुखार में ही करता है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा। तुम रमशा से पूछ लो। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा, पूरी दुनिया बदल सकती है लेकिन अलीजे नहीं। चलें आप लोग बैठकर चाय पिए, मैं चेंज करके आता हूं। तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रमशा जी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ऑफिस नहीं गई? नहीं मैंने आज ऑफ कर लिया ऑफिस से, मैंने सोचा तुम आई हुई हो तो अच्छा है हम दोनों बैठकर कुछ बातें करें, कुछ टाइम स्पेंड करें साथ। तुमने नाश्ता किया? नहीं किया होगा, तुम बैठो मैं अंदर से नाश्ता भिजवाती हूँ। क्या देख रही हूँ? देख रही हूँ अलीजे बहुत बदल गई है। हाँ मैं भी नोटिस कर रहा था उसके बिहेवियर में तुम्हें लेके काफी चेंज आ गया। लगता है अलीजे को अपनी गलती का एहसास हो गया।
बहुत बड़ी बात है ये। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मतलब अफगान, बदगुमानी गुनाह है। लगता आपने अभी तक दिल से उसे माफ नहीं किया। देखिए अफगान, मैं आपको और अलीजे को खुश देखना चाहती हूँ। यकीन करें, अगर आप दोनों खुश रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला। अलीजे, तुम्हारे कहने पर मैं रमशा को यहाँ लेकर तो आ गई, और तुम उसके साथ इतनी बेतकल्लुफ हो रही हो, उसके पीछे क्या वजह है? क्या क्या इरादा क्या है तुम्हारा? अलीजे, तुम इस तरह चुप क्यों खड़ी हुई हो? खुदा का वास्ता, आप कोई और तमाशा मत करना। मामा, मैं तो सिर्फ खेल खेलूं, तमाशा ही खुद जमा हो जाएंगे। खैर, मैं मामू जान के कमरे में जा रही हूँ, रमशा भी वहीं है, आप भी आ जाए, कुछ बातें करते हैं। आखिर तुम मुझे बताओ तो सही, तुम करना क्या चाह रही हो? क्या इरादा है तुम्हारा? तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी बना के लाया हूं, ये लो। चलो ना, कर दो ना माफ।
चाहिए। अलीजे, अलीजे यार। तुम नाराज नाराज लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। अब माफी मिल सकती है? चलो शुक्र, कम से कम तुम मान तो गई। तुम्हें किसने कहा कि मैं मान गई? अच्छा, लेकिन तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कुराहट तो क्लियरली बता रही है कि तुम मान गई। शेर अच्छा लिखा है तुमने। अच्छा? गूगल किया था ना? यार पता है, वैसे मैंने अंदाजा लगाया आपकी बीवी को ना आपके बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हें पता है कि मुझे शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, शेर गूगल किया था, लेकिन काम तो आ गया ना। मालूम है मुझे, लेकिन थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। You're welcome. मैं तो अभी यार एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, सिर्फ एक मिनट। जी अहमद साहब। मामा बिल्कुल ठीक कहते हैं, अगर मैं जज्बात के बजाय अकल से काम लूं तो जैसा मैं चाहती हूँ हमेशा वैसा ही होगा। तुम्हें क्या लगता है रमशा, अफनान को मेरे खिलाफ करके इसके हाथों मेरी इंसल्ट कराओगी और खुद अपने हस्बैंड के साथ खुश रहोगी और मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी? हरगिज़ नहीं। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते। मैंने कभी समझा ही नहीं अफनान। कोई बात नहीं, आज तो मैं एहसास हो गया, इतना ही काफी है। ऐसी जिंदगी का मैंने कभी नहीं सोचा था सलमान। कितनी अजियत है, कैसी जिंदगी है ये? कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जहां मैं सुकून महसूस कर सकूं। ये अरोज कहाँ है? वो जी छोटे साहब कह रहे थे कि आज से छोटी बीबी साहिबा रोजाना मेरे साथ दफ्तर जाया करेंगी। जब सारा दिन ऑफिस में साथ रहेगी तो पूरी तरह से सलमान के जहन को काबू में कर लेगी। फार्म हाउस? नहीं नहीं अलीजे, मैं फार्म हाउस नहीं जा सकती, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, तुम्हें पता तो है। और अभी शानी की भी कॉल आई थी, वो कह रहा था कि मुझे आराम करना चाहिए, मैं नहीं जा सकूंगी। शमशा तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम बीमार हो गई हो? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इतनी सारी औरतें इससे गुजरती हैं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, सारी एक्टिविटीज भी करती हैं, बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, अपने दोस्तों से मिलती हैं, और तुम? बीमार बनकर इस कमरे में बैठी हुई हो, ये कोई तरीका है? हाँ लेकिन अलीजे, वो चाची बता रही थी कि फर्स्ट बेबी में थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर कोई पिछली सदी की रूह घुस गई हो।
बातें कर रही हो तुम? मेरी दोस्त का फार्म हाउस है, हम सब इंजॉय करेंगे एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छा चेंज होगा, तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं अनीजे, मुझे पता है ना शानी का, मुझे इजाजत नहीं देगा, मैं नहीं जा सकती। शानी से पूछने को कहा किसने? क्या मतलब है तुम्हारा? उसे बताना तो होगा ना लीजे। क्यों बताना पड़ेगा शानी को? तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि वो हैदराबाद गया हुआ है 2 दिन के लिए। हम अभी फार्म हाउस जाएंगे, वापस आ जाएंगे, उसको बताने की जरूरत ही क्या है? नहीं नहीं अलीजे, I'm so sorry, मैं शानी को झूठ नहीं बोल सकती। अरे इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूं कि तुम्हें उसे कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है। हम यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। देखो तुम मुझे मना नहीं कर सकती। लीजे प्लीज इतना करो, मैं सच कह रही हूँ, मेरा वाकई जाने का दिल नहीं चाह रहा, वरना मैं जरूर चलती तुम्हारे साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, तुम इसीलिए मेरे साथ नहीं जा रही। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो फिर तुम फौरन तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ जा रही हो, मुझे कोई बहाने नहीं सुनना, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आ रही हूँ बस। अलीजे मैं, लड़की मैं शानी से क्या कहूंगी? बात हुई तुम्हारी रमशा से? जी सुबह हुई थी। ठीक है वो? शुक्र है, कुछ दिन तो सुकून से गुजारेगी रमशा वहां। अच्छा हुआ वहां चली गई, उन्हें शानी ने तो ना उसको बहुत तंग कर रखा है, हर बात में चिड़चिड़ करता है। अच्छा हुआ जो वो अफशीन खुद ही आके उसे ले गई अपने साथ। अम्मी भाई की तो आदत है नुक्ताचीनी करने की, हर वक्त रमशा पे तनकीद करते रहते हैं। लेकिन शानी की ये जो तनकीद है ना, ये बिला जवाज नहीं है। रमशा ने जो कुछ माजी में किया है वो हम सबके सामने। पर अम्मी वो उसका पास था। ठीक कह रही, उसका माजी था, लेकिन शौहर अपनी बीवी का दागदार माजी कभी भी नहीं भुलाता। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को अपना किरदार इतना शफाफ रखना चाहिए कि किसी भी जाविये से देखे ना तो कोई दाग नजर ना आए। ये आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पे, स्टेटस पे तस्वीरें लगा रही होती हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो अपनी इस दवाजी जिंदगी के लिए कितनी तबाही खुद अपने हाथ से खरीद रही है। इस बात का एहसास ही नहीं है ना उनको, ना उनके वालदेन। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि भाई ये शैतानी चीजें हमारे वक्त में नहीं थी, और वैसे भी आज के हालात इसीलिए बेहतर हैं हमारी जिंदगियों के, आराम से सुकून से अपने अपने घरों में शादियां करके बैठे हुए, वरना ये रोजाना की चकचक, शको शुबहात, शादियां होते ही लड़ाई झगड़े तलाकें, बार बार शादियां बार बार तलाकें, जाहिर है बीवी शोहर से बदजन हो जाती है और शोहर अपनी बीवियों पर शक कर। शायद हम ये ठीक ही कह रही हैं। अच्छा वो जरा जाके अपने फोन से शानी को फोन करो, मैंने तो 2-3 बार उसे फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा मेरा। अब जी जी मैं अपना फोन ले आती हूँ। क्या करूँ? नहीं नहीं अलीजे, I'm so sorry, मैं शानी को झूठ नहीं बोल सकती। अरे इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम्हें उसे कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है। हम यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं मुझे शानी को बता देना चाहिए, इससे पहले ये कोई मसला क्रिएट हो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। रमशा क्या हुआ, किससे फोन कर रही हो? वो अलीजे मैं शानी को कॉल कर रही थी।
मैं चाह रही हूँ कि मैं जाने से पहले उसे बता दूँ, कम से कम उसे पता तो होना कि मैं कहाँ हूँ। एक्चुअली तुम उसे जानते नहीं हो, गुस्से का बहुत तेज है। अगर मैं उसे बताए बगैर जाऊंगी और उसे पता चल जाएगा ना, तो फिर वो बहुत गुस्सा करेगा, खफा हो जाएगा। इसलिए मैं उसे कॉल कर रही हूँ। क्या हुआ? कॉल नहीं पिक कर रहा। एक काम करती हूँ ना, मैं नीचे मामा है और मामू जान है, उनको मैं बता देती हूँ। अगर शानी की कॉल आएगी तो वो शानी को बता देंगे कि तुम मेरे साथ हो, ठीक है? देखो अब बहुत लेट हो रहा है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, छोड़ो इस फोन को, जाओ जाके तैयार हो, मैं भी चेंज करके आ रही हूँ। अफशीन वो रमशा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। भाईजान वो अलीजे के साथ फार्म हाउस गई है। फार्म हाउस? जी, दरअसल अलीजे के कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने वहाँ गेट टुगेदर रखी थी, तो अलीजे ने सोचा मैं क्यों ना रमशा को भी साथ ले जाऊँ। बहुत शौक से गई है वो अलीजे के साथ। और आप तो जानते हैं रमशा को ऐसी जगहों पे जाने का मौका कहाँ मिलता है। वैसा करो, फोन लाओ मेरा, मैं बात करता हूँ रमशा से, जाओ। नहीं नहीं भाईजान, दरअसल फोन करने का तो वहाँ फायदा ही नहीं है, वो अलीजे कह रही थी कि फार्म हाउस पे सिग्नल्स ही नहीं आते हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, दोनों जल्दी आ जाएंगी ना।
अफशीन तुमने तो कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगी, तुमने वक्त देखा है, कहाँ रह गई हैं वो? भाईजान मुझे तो अलीजा ने यही कहा था। अरे तो फोन करके पता करो ना कितना टाइम लगेगा। और भाईजान वो मैंने आपसे कहा था ना कि वहाँ नेट का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी फोन कर रही हूँ, मिल नहीं रहा। ऐसी जगह जाने की जरूरत क्या थी जहाँ ये सब मसाइल है, और परेशान तो हम हो रहे हैं ना, वक्त देखो क्या होने को आ गया। दोनों लड़की जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है उनका। अलीजे का फोन आ रहा है। हाँ, हेलो अलीजे, कहाँ हो तुम लोग? इतनी देर हो गई है, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। क्या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कौन है हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, ओके। अरे क्या हुआ अफशीन, बोलो। भाईजान वो रमशा। क्या रमशा? भाईजान रमशा गिर गई है, हॉस्पिटल में है वो। गिर गई हॉस्पिटल? कहाँ है रमशा और कैसी तबीयत है उसकी? रमजान वो अंदर है अभी, डॉक्टर साहब उसे चेक कर रहे हैं। स्विमिंग पूल में कैसे गिर गई यार? तुम कहाँ थी उस वक्त? मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम लोग लेकर क्यों गए उसे। मामूजान मुझे क्या मालूम था ये हो जाएगा, वो बस स्विमिंग पूल में गिर गई, अभी डॉक्टर देख रहे हैं बता देंगे फिर। अल्लाह है कहाँ? उस रूम में। रमशा कहाँ है? कहाँ है रमशा? वो ठीक है ना? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? रमशा कहाँ है, वो ठीक है ना? अफनान वो इस हादसे में उसने अपने बच्चे को खो दिया है। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या किया तुमने? अरे जब तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकती थी तो अपने साथ लेकर क्यों गई? मां मुझे क्या मालूम था कि ये हो जाएगा? तुम नहीं जानती थी? नहीं जानती थी उसकी हालत कैसी है, उसे इस वक्त शदीद केयर की जरूरत है। तो अफतान मैं तो उसको इसलिए ले गई थी कि उसके लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, मेरी तो नेकी मेरे ही गले पड़ गई। नेकी? ये कैसी नेकी है जिसने किसी और को आजमाइश में डाल दिया? शर्मानी चाहिए, आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। आहिस्ता आवाज में बात करूं? क्यों क्यों आहिस्ता आवाज में बात करूं? अपनी हरकतें देखी हैं तुमने? फिलहाल उसके कोई रिश्तेदार किसी का नंबर है तो उन्हें कॉल करके बुलाओ। वो शानी को कॉल करो, उसको इन्फॉर्म तो करो कि वो हॉस्पिटलाइज है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना। सबर खुलो रमशा बेटी, सल्लाह की यही रजा थी, तुम क्यों अपने आप को इल्जाम देकर अपनी तकलीफ बढ़ा रही हो? सबर करो बेटा सबर। नहीं मामूजान मुझसे नहीं हो रहा सबर। मुझसे सबर नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा सानिया है मामूजान, मुझसे नहीं हो रहा सबर। अब्बा अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे सबर नहीं हो, अल्लाह मुझे सबर दे। तब वो देखो तुम्हारी सच्ची भी आ गई ना? नहीं हो रहा सबर। बेटा देखो सच्ची आ गई। चाची चाची मैंने बच्चों खो दिए। आप देखिए मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकी चाची।
मुझे अब सबर भी नहीं हो रहा, चाची मुझसे नहीं हो रहा है सबर, मेरा बच्चा शुक्रिया मुझे नहीं हो रहा सबर चाची, अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान में डाल दिया है, या अल्लाह तू मुझे सबर दीजिए।